हेलो दोस्तों, मैं हूँ हैरी किचन से। आज मैं बच्चों का फेवरेट पिज़्ज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ब्रेड पिज़्ज़ा। तो चलो देखते हैं ये किस तरह से बनाया जाएगा और इसमें क्या क्या डलेगा। हमने दो स्लाइस ब्राउन ब्रेड की ली है। अब हम उस पर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। इस तरीके से हमने ब्रेड पर सारी सॉस अप्लाई कर देनी है। अब हम इस पर मज़रोला चीज़ लगाएंगे। चीज़ हम थोड़ी सी इसमें ज़्यादा लगाएंगे क्योंकि बच्चों को डबल चीज़ पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अब हम इसमें प्याज लगाएंगे, थोड़े से स्लाइस में कट करके छोटे छोटे। थोड़े से हम इसमें टमाटो लगाएंगे। 4 से 5 पीस हम इसमें ग्रीन वाली शिमला मिर्च लगाएंगे। स्वीट कॉर्न डालने हैं हमें इस पर। तो अब हम इस पर पिज़्ज़ा सीजनिंग डालेंगे, चिली फ्लेक्स डालेंगे। और अब वापस से हमें इसमें चीज़ डालनी है। तो हमने जो क्यूब वाली चीज़ आती है वो उसका यूज़ किया है, वो भी इसमें ज़्यादा हमें डालनी है। फिर वापस इस पर हमें मिक्स हर्ब डालना है, थोड़ा सा हमें चिली फ्लेक्स डालना है। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें सॉल्ट डाल देंगे। अब हमें इसे बेक करने के लिए, हम इसको कढ़ाई में बना रहे हैं, उसके लिए हमने पहले कढ़ाई को 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था। अब हम उसमें इस तरीके का कोई स्टैंड लगा देंगे और एक प्लेट रख के उसको बटर से पहले ग्रीस कर लेंगे और उसमें ब्रेड की स्लाइस रख देंगे और इसको ढक के 5 मिनट के लिए हम कुक करेंगे। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं और चीज़ भी हमारी अच्छी तरीके से मेल्ट हो गई है। अब हम इसको सर्व करेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ब्रेड का पिज़्ज़ा बनके तैयार हुआ है। आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में डाल के दीजिए, बच्चे ये खुश होके खाएंगे और सारा लंच बॉक्स फिनिश करके आएंगे। वैसे भी बच्चों को पिज़्ज़ा खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, तो आप इस ब्रेड से ये पिज़्ज़ा बना के बच्चों के लंच बॉक्स में डालिए और बच्चों को बड़ों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली स्नैक्स हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया इसमें से चीज़ मेल्ट हुई है। अगर आपको मेरी ये डबल चीज़ ब्रेड पिज़्ज़ा अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।